हेलो बोल कन्हैया हेलो हाँ साहब, वीरज की कथाएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं। आप लोगों के समक्ष बहुत बढ़िया कथा, और संक्षेप में कथा को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पांडवों के द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी होती है और वो घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा आज बभरू वाहन पकड़ लेते हैं। अर्जुन जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, घोड़े को छोड़ दो। लेकिन बभरू वाहन कहते हैं कि पकड़ा हुआ है घोड़ा, अगर छुड़ाना है तो लड़कर ले जाओ। और एक विशेष बात, दोनों का रिश्ता पिता और पुत्र का है। ओह, बभरू वाहन अर्जुन के पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों अनजान हैं। यही कथा का सार होगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक तर्ज, एक एक गीत और एक एक शब्दों का भाव। हाँ बंधुओं, शेर शायरी सुने। वैसे तो शेर शायरी आप बहुत सुन रहे हैं हमारे सोनी जी के द्वारा, परमादरणीय हमारे विनोद भैया रघुवंशी के द्वारा। छोटी सी कोशिश है। बुलबुला बुलबुला कि बुलबुला फूट कर दिल दरिया हिलोर देता है,
किसी तिनकियों को हकीर मत समझो, तिनका भी आंख फोड़ देना। अरे किसकी मौत आई है ये तो भक्ति बताएगा। बड़ बड़ के बात करने वाले शमंजा बेमौत मारा, समय जिसका आ गया हो उसे कोई बचा नहीं सकता। ध्यान जाएंगे कि समय, अरे समय जिसका आ गया हो उसे कोई बचा नहीं सकता, और सत्य को जमाने में कोई झुका नहीं सकता। जिसका रक्षक हो मुरली वाला उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि हर तीर खंजर को चलाना हमें आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमें आता है। जिस्म फैलाद का है, जिस फौलाद का है, सोच समझ कर आना, जंगे मैदान में लड़ना और लड़ाना हमें भी आता है। समय का अभाव, आज अर्जुन कहने लगते हैं कि रे बबरू बहन, शायद तू मुझे नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है। अरे कितनों को मैंने मारा, अर्जुन सा वीर कहां है ऐसा मर्दाना। तो क्या कहने लगे, अरे अर्जुन सा वीर कहां है ऐसा मर्दाना। अरे कहाँ है ऐसा मर्दाना, अरे जुता फिर कहाँ, अरे जुता फिर कहाँ ऐसा मर्दाना। सोच समझ करके, सोच समझ करके मुझसे तू टकराना। लेकिन आज बबरू बहन कहने लगते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो कर, कि छोटा मुंह और बड़ी बातें मत तो कर नादान, अगर मैं अपनी पर आ गया तो जाएगी तेरी जान। लेकिन बबरू बहन कहते हैं कि कमजोर किसी को मत समझो, सबको लड़ना आता है।
और सागर से सुराई टकराए तो सागर को पसीना आता है। तो आज गुस्से में अगर बबरू वाहन कहने लगते हैं और दुश्मन मेरे अरे दुश्मन मेरे अरे बचना है मुश्किल तेरा अरे बबरू वाहन से तू कर ले समर कि बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना दिखेगा यहाँ कहने लगे अरे बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना दिखेगा यहाँ अरे बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना बचेगा यहाँ बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना दिखेगा यहाँ बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना दिखेगा यहाँ बस आज ये बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना बचेगा यहाँ बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना बचेगा यहाँ बबरू वाहन से तू कर ले समर कल ना बचेगा यहाँ बचेगा यहाँ हेलो अर्जुन कहने लगते हैं भैया जी आवाज थोड़ी सेट कर दे हेलो 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 अर्जुन कहने लगते हैं कि तू नहीं जानता रे मुझे पागल तेरी उम्र अभी बाली है अभी तेरे दूध के दांत नहीं निकले हैं ठीक से और तू संग्राम करने के लिए आया है बेटा मान जा घर वापस लौट जा और जाके माँ के आंचल में छुप जा वरना बेमौत मारा कि यहाँ कोई ना कि यहाँ कोई ना मुझसे बड़ी करे क्यों अरे मुझसे बड़ा ना कोई कोई
मरे बेटा क्या मरे बेटा क्यों मरे बेटा क्यों मरे बेटा क्यों मरे ओ बेटा क्यों मरे बेटा क्यों मरे ओ बेटा क्यों मरे यहाँ कोई ना मुझसे बड़ी करे मुझसे करे बेटा क्या मरे बेटा क्यों मरे ओ बेटा क्यों मरे ओ बेटा क्यों मरे ओ बेटा क्यों मरे कहने लगते हैं कि तेरे सर पर काल आ गया है अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है अरे है काल सर पे है काल सर पे रे आया मौत ने तुझको लाख समझाने के बाद भी आज बबरू वाहन मानते नहीं कहने लगते हैं जो होगा देखा जाएगा बोले चक्र सुदर्शन धारी भगवान के जय